नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग का ऐलान कर दिया है, और जंग के ऐलान करते ही रूस की मिलिट्री ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ ही साथ किस तरीके से 200 से ऊपर आम नागरिक और यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस चीज का डर था अब वही होता दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर दिया है, और जंग का ऐलान करते ही रूस ने यूक्रेन के कई बड़े बड़े इलाकों पर हमला कर दिया है। और दोस्तों, सूत्रों से खबर निकल के सामने भी आ रही है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और कीव एयरपोर्ट में भी कब्जा कर लिया है। और दोस्तों, साथ ही बताया भी जा रहा है और कुछ वीडियो फुटेजेस में देखा भी जा सकता है कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से इन इलाकों में हमला हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध को रोकने की अपील कर रहा है, और व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि जब तक यूक्रेन अपने हथियार नहीं डाल देता और वापस नहीं चले जाता, तब तक रूस यूक्रेन के युद्ध को टाला नहीं जा सकता। और साथ ही पुतिन का ये भी कहना है कि अगर कोई दूसरा देश बीच में आता तो उसके खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पुतिन के इस बयान का एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। о проведении специальной военной операции, кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, которыми вы в своей истории еще никогда не стал. जी हाँ दोस्तों, रूसी सैनिक लगातार युद्ध करते करते आगे बढ़ रहे हैं, और एक के बाद एक यूक्रेन के डिफेंस सिस्टमों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और दोस्तों, जिस प्रकार से रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं उसे देखकर यूक्रेन भी बहुत आक्रामक हो गया है, और जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने रूस के 5 फाइटर जेट और एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। और दोस्तों, AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश देते हुए कहा कि हमारा रूस पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहरी खतरा होता है तो उसका भी फौरन जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ ही साथ रूस ने यूक्रेन से लगी सीमा के पास करीब 2,00,000 जवानों को तैनात किया है, और इधर यूक्रेन की राजधानी क्वीव में धमाकों की कई आवाज सुनाई दी जा रही है, और साथ ही इन विस्फोटों की आवाज ख्रेश्चत्यक और यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े शहर ओडेसा में भी सुनाई दे रही है। और जिस तरीके से रूस ने आक्रामक रूप अपनाया है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि रूस अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, और इसलिए यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं और अब यूक्रेन भी रूस का सामना करेगा और जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही साथ पूरी दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल 4 के तहत नाटो के 30 देशों ने रूस के ऊपर हमला करने का फैसला कर लिया है। हालांकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन यूक्रेन लगातार अपने को नाटो में शामिल करने की बात करता आ रहा है, मगर इस पर रूस ने हमेशा अपनी आपत्ति जताई है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक और बड़ी अपडेट बता दूं कि बीते 2 घंटे के अंदर यूक्रेन में 200 से ऊपर आम नागरिक और सैनिक मारे गए हैं, और लगातार बड़े बड़े शहरों और विलेजेस पर कब्जा भी हो रहा है। और जिस तरीके का माहौल यूक्रेन में बन चुका है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, और दोस्तों इन मरने वालों में ज्यादातर आम नागरिक ही शामिल है। वैसे आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।